तउहें धमतरी जिला के नगरी तहसील में पदस्थ फूड इंस्पेक्टर संग माटी तेल ढोरैया के खिलाफ मारपीट और जान ले मारे के धमकी दे के मामला अपराध दर्ज करेगी। देखा है रिपोर्ट। नगरी ब्लॉक के मैनपुर पंचायत के सरपंच दुर्योधन नेताम ह अजाक थाना में खाद्य निरीक्षक संग माटी तेल सप्लायर ऊपर जाति सूचक गाली देहे और मारपीट कर जान से मारे के धमकी देहे के आरोप लगावत हुए थाना में शिकायत दर्ज कराई रही। मैं दुर्योधन नेताम सरपंच ग्राम पंचायत मैनपुर विकासखंड नगरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। ये जो शिकायत हुआ है फूड इंस्पेक्टर और लक्ष्मीनाथ यादव के खिलाफ, ये जो उक्त घटना 27/9/2018 का है और हम लोग SDM कार्यालय आए हुए थे ये पूछताछ के संबंध में फूड इंस्पेक्टर से पूछना है ऐसे करके, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत मैनपुर और हमारे आश्रित गांव बनियाडी को जो है राशन सामग्री में 2-3 माह से गड़बड़ी, मतलब मट्टी तेल वगैरह नहीं मिलाया करके पब्लिक का शिकायत आया था मेरे पास, तो उसी संदर्भ में मैं पूछताछ करने आया था। और उसके पहले मैं फ़ोन के माध्यम से फूड इंस्पेक्टर को राम को भी संपर्क किया था, तो मुझे बताए थे कि 2-3 माह में आपका मिट्टी तेल एक साथ आपके पंचायत को उपलब्ध हम करा देंगे ऐसे करके। उसके बाद भी वो उपलब्ध नहीं कराए तो मैं और हमारा सोसाइटी संचालक बुरई निवासी तुलसीराम यादव के साथ मैं अपने मोटरसाइकिल से हम ब्लॉक मुख्यालय नगरी पहुँचे और यहाँ वहाँ SDM कार्यालय में जाके पूछताछ किए, तो उस दरमियान वहाँ फूड इंस्पेक्टर उपस्थित नहीं थे। तो हम लोग वापसी शाम के समय लगभग 4:30 बजे वापस अपने गांव मैनपुर हम जा रहे थे। इसी बीच फूड इंस्पेक्टर लक्ष्मीनाथ, फूड इंस्पेक्टर तेजाब सिंह कोराम और लक्ष्मीनाथ यादव हमारे बाइक का पीछे करते करते अमनाला के पास आए और हमें ओवरटेक करके रास्ता रोक करके हमें गाली गलौज किए, वो भी माँ बहन की गाली गलौज किए जो बताने योग्य भी नहीं है, और हमारे जाति को लेकर विशेष तौर से लोग गाली गलौज किए हैं, ऐसा है वैसा है और जाओ जो भी करना है आप जहाँ भी कर सकते हो करना है इस टाइप के बोले। कलेक्टर के पास जाओ, कलेक्टर भी हमारा क्या उखाड़ लेगा, इस टाइप के हमें मुझे और यादव जी को गाली गलौज किए हैं लोग। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे ग्रामवासी हैं मुझे शिकायत में दिए थे, तो उक्त शिकायत को लेकर मैं क्योंकि जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता का सेवक हूँ, इसी उद्देश्य से मैं अपना फर्ज निभाने के लिए मैं यहाँ आया और पूछताछ किया था। तो ये लोग उस पूछताछ से उत्तेजित होकर आक्रोशित होकर मुझे मारने पीटने की धमकी दिए हैं और वो भी जान से मारने की धमकी दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दंडात्मक कार्रवाई हो, मैं यही चाहता हूँ। अभी आप कहाँ कहाँ शिकायत किए हैं? मैं सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महोदय के पास, अपने पंचायत मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के पास, खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के पास और हमारे जिलाधीश कलेक्टर महोदय के पास और SP। मामला के गंभीरता ला देखत पुलिस हा तत्काल जांच में जुट गई। जांच में शिकायत ला सही पाए के बाद पुलिस फूड इंस्पेक्टर और माटी तेल सप्लायर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही करे के तैयारी करत है। मैनपुर उचित मूल्य के दुकान में 2-3 महीना ले चना और माटी तेल के सप्लाई नहीं होत रही। ग्रामीण मन एकर शिकायत सरपंच ले करीस, सरपंच और फूड इंस्पेक्टर ले मुलाकात करीस और व्यवस्था दुरुस्त करे के गुहार लगाईस। फूड इंस्पेक्टर द्वारा मामला ला गंभीरता ले नहीं लेहे गईस, तब जाके सरपंच SDM ले शिकायत करीस, जेखर ले गुस्साए फूड इंस्पेक्टर और माटी तेल सप्लायर दोनों मिल के सरपंच के रास्ता रोक के बीच जंगल में गाली गलौज और मारपीट करे लगी। धमतरी ले डिजिटल रिपोर्टर देवेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।